सप्तशृंगी रोपवे, ऐसा रोपवे जहां पे मेट्रो जैसा गाड़ी आपको पहाड़ों के ऊपर ले जाएगा। और दूसरी तरफ है सापुतारा रोपवे, जहां तीन क्यूट गाड़ियां पीले, हरे और लाल कलर में, जिसमें बैठकर आप सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं का जबरदस्त आनंद ले सकते हैं और बाद में सापुतारा लेक में एक यादगार बोट राइडिंग। आइए हमारे साथ एक स्पेशल ट्रिप पर। सफर की शुरुआत सह्याद्री पर्वत श्रृंखला वेस्टर्न घाट्स, मगर स्टेट है महाराष्ट्र और लक्ष्य है सप्तशृंगी मंदिर और रोपवे। नासिक शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर और 1.5 घंटे के सफर के बाद हमारा लक्ष्य हमारे सामने। ये देखिए दो केबल कार और ऊपर ये मंदिर। और ये रहे दो बड़े क्यूट मेट्रो जैसा केबल कार। ऐसा लग रहा है कि दो मेट्रो ट्रेन पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है। मैंने ऐसा रोपवे जिंदगी में पहली बार देखा है। आइए हमारे साथ रोपवे के सफर पर। इसके पहले कि आप कुछ फोटो वीडियो निकाले, 40 सेकंड में ये रोपवे का सफर खत्म। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। ऐसा माना जाता है कि भगवान सती माता, जो भगवान शिव के अर्धांगिनी है, उसका दायां हाथ का अंश यहीं पे आके गिरा था। अब हम उसी रास्ते से वापस दूसरी ओर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में ही, मगर राज्य अब गुजरात। हम आ गए सापुतारा रोपवे के लोकेशन पर और इसे पुष्पक रोपवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए टूरिस्ट रश। और पर पर्सन टिकट का रेट ₹77 आना जाना मिलाकर। तीन केबल कार का सेट
और एक केबल कार में एक बार में चार लोग। आइए हमारे साथ सफर पर। ये सफर 5 से 6 मिनट होता है, इसलिए आपके पास काफी समय है एंजॉय करने के लिए। केबल कार से जब आप डायरेक्ट नीचे देखते हैं ना, तो एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। आपके पास कुल 5-6 मिनट है, इसलिए सफर का भरपूर मजा उठा सकते हैं। चारों तरफ का दृश्य एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बस एक ही समस्या, बाहर का सीन का वीडियो शूटिंग करें या अपना सेल्फी। दूर आपको दिखेगा सापुतारा लेक। और इस रोपवे का एक बड़ा मजेदार चीज कि रोपवे बीच में 1 मिनट के लिए रोक देते हैं। बीच हवा में लटकते हुए आपको एहसास होगा कि कहीं रोपवे खराब तो नहीं हो गया है, मगर जी नहीं, ये पर्यटकों के सुविधा के लिए ही रोका जाता है ताकि वे आराम से नजारों का लुफ्त उठा सके। सापुतारा रोपवे का सफर हमारे लिए वाकई में एक यादगार सफर था। और ये हम ऊपर आ गए सनराइज पॉइंट पर, जहाँ काफी सारे टी स्टॉल्स हैं, मैगी के शॉप्स हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तक 2-व्हीलर भी आती है। और इसी सनराइज पॉइंट से आपको दिखेगा सापुतारा पर्वत श्रृंखला का एक विहंगम दृश्य। सापुतारा रोपवे के बाद सापुतारा लेक में बोट राइडिंग इज ए मस्ट। हमने और भी कई लेक में ऐसे ही बोट राइडिंग किए हैं, मगर पता नहीं क्यों इस लेक का बोट राइडिंग हमें जन्नत से कम नहीं लग रहा था। यहाँ प्रकृति का जो ओवरऑल एक सीन है ना, और साथ में दूर में जो केबल कार भी है, ये सारा कुछ मिलके एक गजब का सीन बन रहा था।
ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम इसी सापुतारा एरिया में अपने वनवास के 11 साल बिताए थे। इसीलिए इस जगह के हवा में और मौसम में एक अलग लेवल का फीलिंग है। क्या आपको पता है कि इतना विशाल लेक मैनमेड है? जी हाँ, ये लेक मैनमेड है। सापुतारा लेक और सापुतारा रोपवे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा।